हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं कोक स्टूडियो के एक सॉन्ग पे जिसका टाइटल है बल्ले बल्ले। दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। क्या बस लाइव परफॉर्म्ड। ओके मैं दीता सज दी कुड़ी दी मां नच दी ओ मैं दीता सज दी कुड़ी दी मां नच दी मां इंज नच दी जिवें गां नच दी यार लाइटिंग कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा है। यार मुझे हिंदी आती है, ये पंजाबी है, फिर भी समझ पा रहा। हवा हवा जैसा ना भाई, आवाज में थोड़ा ऊपर नीचे नहीं है, ये बहुत सही है। हाँ बट लाइटिंग थोड़ा ज्यादा है, बट गाना भाई एक नंबर। आए माँ बे, मैं अभी इंस्टाग्राम पे सब उनको फॉलो करने वाला हूँ। अब जो है वो म्यूजिक कम होगा ज्यादा होगा। ये कोक स्टूडियो में मैंने हमेशा नोटिस किया है लास्ट में म्यूजिक एकदम स्लो हो जाता है, उसका एकदम से तेज हो जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे स्पीड देख रहे हो बंदे की, पानी के कबूतर पावा फेरिया।
लाइटिंग बहुत ज्यादा है, इरिटेट भी कर रहा हूँ लाइटिंग। स्टूडियो का ये बल्ले बल्ले सॉन्ग लिरिक्स पंजाबी में थे, पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। अब आप बोलोगे भाई सबटाइटल ऑन क्यों नहीं किया? यार जब मैं वीडियो पुल करता हूँ यूट्यूब से तो मुझे सबटाइटल्स नहीं देते, बट फिर भी मैं पंजाबी बोल नहीं पाता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ तो जाता ही हूँ क्योंकि पंजाबी रील एक पंजाबी रील टीवी एक चैनल है यूट्यूब पे, तो अच्छे खासे दोस्त हैं, तो जब पंजाबी में बात करते हैं तो समझ में तो भाई थोड़ी बहुत आ ही जाती है। तो भाई लिरिक्स से ये मुझे समझ में आया कि एक पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ का एक मेहंदी सॉन्ग है, शादी सॉन्ग है, शादी में और मेहंदी में इसे बजाया जा सकता है और स्पेशली उसी के लिए है ये सॉन्ग, तो ये तो मुझे पता चला। लेकिन भाई बात करें लाइटिंग की तो भाई लाइटिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई, क्या लाइटिंग है, मतलब ग्रीन पूरा हो जा रहा था, पूरा मतलब पूरा वाइट हो जा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सिंगर को, कोशिश कर रहा हूँ तो भाई आँखों में भाई तकलीफ़ हो रही है, तो भाई लाइटिंग बहुत ज़्यादा था, एक्सेस था। इससे पहले जो था आफड़ी आफड़ी में ताजदार हरम में वो रेड लाइटिंग वो बहुत सही था, ये लाइटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, बट यार तकलीफ़ दे रहा था आँखों को। यार लाइटिंग के बाद छोड़ दे और बात करें गाने की तो भाई 10 out of 10, क्या शानदार लिरिक्स थे, क्या शानदार परफॉर्मेंस था और दोनों की वॉइस यार माशाल्लाह, तो यार 10 out of 10। यार इस गाने की पॉपुलैरिटी इस बात से लगाई जा सकती है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, नंबर 3 पे, तो भाई आप समझ सकते हो कितना फेमस गाना है यार। और इस गाने से कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आई कि जो पंजाबी कल्चर है वो यार नेशनल लेवल पे इस गाने के द्वारा लेके आया गया है। इससे पहले मैंने जितने भी कोक स्टूडियो के गाने पे रिएक्शन दिया है मैंने कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन यार लाइटिंग जो है यार आपने भी तो देखी है, आप भी समझ सकते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ तो यार कुछ गिला शिकवा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बट अच्छे से बताना, मतलब थोड़ा एग्रेसिव मत हो जाना, ठीक है? तो बस यार आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करना बोले इन करते हैं कम से कम 600 लाइक से। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर ले, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।